हेलो प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी संचय की पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 चंद्रशेखर आजाद के विषय में अध्ययन करेंगे। इस पाठ के माध्यम से हम चंद्रशेखर आजाद के बारे में जानेंगे। चंद्रशेखर आजाद एक निर्भीक और दृढ़निश्चय क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे। वे राम प्रसाद बिस्मिल व शहीद भगत सिंह क्रांतिकारियों के साथ काम करते थे। चंद्रशेखर आजाद का कहना था, मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्र था और मेरा घर जेल है। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे आजाद ही रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी विचारों के थे और इस वजह से उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया। चंद्रशेखर आजाद के विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं और उनके विचारों को याद करते हैं। आइए बच्चों, अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। चंद्रशेखर आजाद सदा आजाद रहे। उन्होंने असंख्य नवयुवकों को संगठित करके अंग्रेज सरकार की नींव जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया था। जो चंद्रशेखर आजाद थे वह हमेशा क्या थे, आजाद ही रहे। उन्होंने बहुत सारे नवयुवकों को एकत्रित किया और जो अंग्रेज सरकार की नींव थी उसको जड़ से उखाड़ फेंकने का निश्चय किया। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के भावरा नामक गांव में हुआ था। यहाँ भीलों की संख्या अधिक थी। बचपन में आजाद ने भीलों के बीच रहकर धनुष बाण चलाना सीख लिया था। उनका निशाना अचूक था। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के भावरा नामक गांव में हुआ था। वहाँ पर भील ज़्यादा रहते थे और बचपन में उन्होंने धनुष बाण चलाना भी सीख लिया था। चंद्रशेखर के पिता अध्यापक थे। उन दिनों वे केवल 8 रुपये मासिक वेतन पाते थे। जो चंद्रशेखर के पिता थे वह क्या थे, अध्यापक थे और उन दिनों केवल 8 रुपये मासिक वेतन पाते थे। उनका जो महीने का वेतन था वो कितना था, 8 रुपये ही था। आजाद को निर्धन परिवार में कठिनाइयों का जीवन मिला था। 14 वर्ष की अवस्था में ही वे वाराणसी पढ़ने चले गए। वहाँ उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। चंद्रशेखर आजाद 14 वर्ष की अवस्था यानी 14 वर्ष के थे तभी वे वाराणसी में चले गए थे और उन्होंने वहाँ पर संस्कृत का अध्ययन किया था, यानी कि संस्कृत की पढ़ाई की थी और वह उनका जीवन गरीबी में बीता हुआ था। उन दिनों गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। चंद्रशेखर भी इस आंदोलन में कूद पड़े, किंतु शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रात भर जेल में रखने के बाद सुबह उन्हें अंग्रेज मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया गया। जब वो वाराणसी में थे तो वहां पर क्या था, गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो चंद्रशेखर भी इस आंदोलन में शामिल हो गए, तो उन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया, उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें रात भर जेल में रखा और सुबह मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया गया। मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर को नीचे से ऊपर तक देखा। उनके चेहरे पर एक विशेष प्रकार का तेज झलक रहा था। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक आजाद ने सिर ऊंचा करते हुए उत्तर दिया, मेरा नाम आजाद है। तुम्हारा घर कहाँ है? मजिस्ट्रेट ने दूसरा प्रश्न किया, जेल खाना? बालक ने निर्भीक होकर उत्तर दिया। जब मजिस्ट्रेट ने उन्हें देखा, ऊपर से नीचे तक देखा, तो उनके जो एक विशेष प्रकार का तेज झलक रहा था, यानी कि उनके जो चेहरे पे एक विशेष प्रकार का क्या था, तेज था चेहरे पर, तो मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है? तो चंद्रशेखर आजाद ने बोला, मेरा नाम आजाद है। तो मजिस्ट्रेट का दूसरा प्रश्न था, तो उन्होंने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है?
तो बालक ने बिना डरे हुए बोला, निडर होके बोला, मेरा घर जेल खाना है। मजिस्ट्रेट ने झल्लाकर तीसरा प्रश्न पूछा, तुम काम क्या करते हो? भारत माता की आजादी के लिए लड़ता हूँ, आजाद ने उत्तर दिया। जब मजिस्ट्रेट ने उनसे तीसरा प्रश्न पूछा कि तुम काम क्या करते हो, तो आजाद ने उत्तर दिया, मैं भारत माता की आजादी के लिए लड़ता हूँ। मजिस्ट्रेट का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसने सिपाहियों को आदेश दिया, इस नवयुवक को ले जाओ और 15 कोड़े लगाकर छोड़ दो। 15 कोड़े दंड का आदेश सुनकर चंद्रशेखर मुस्कुरा दिए, परंतु उनकी आंखों में विद्रोह की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। यानी कि जब मजिस्ट्रेट का चेहरा क्या हुआ, क्रोध से तमतमा उठा, उन्हें बहुत ही गुस्सा आया, तो उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस नवयुवक को, इस बच्चे को ले जाओ और इस पे 15 कोड़े लगाकर इसको छोड़ दो। तो जब उनका आदेश सुना, तो मजिस्ट्रेट का आदेश सुनने पर भी चंद्रशेखर क्या थे, मुस्कुरा रहे थे, उनकी आंखों में विद्रोह की झलक स्पष्ट दिखाई रही थी। विद्रोह का अर्थ होता है कड़ा विरोध, कड़ा विरोध की उनको झलक स्पष्ट दिखाई दे रही थी, यानी कि साफ उनको उसकी झलक दिखाई दे रही थी। जिस समय आजाद को कोड़े लगाए जा रहे थे, हर कोड़े की चोट के साथ बार बार उनके कंठ से वंदे मातरम का नारा गूंज रहा था। जब आजाद को कोड़े लगाए जा रहे थे, तो जब उनको हर कोड़ा पड़ता था, हर कोड़ा लगता था, तो उनके गले से एक ही नारा गूंजता था, वंदे मातरम। कंठ का अर्थ होता गला, उनके गले से एक ही आवाज निकलती थी, वंदे मातरम का नारा गूंजता था। कोड़े खाकर जब वे बाहर निकले, तो उनका शरीर लहूलुहान हो रहा था, परंतु उनका चेहरा बिल्कुल शांत व गंभीर था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब कोड़े खाकर उनको जब कोड़े लगे थे, तो जब बाहर निकले, तो उनके शरीर पे पूरा लहूलुहान हो रहा था, यानी कि खून से लथपथ हो रहा था, परंतु उनके चेहरा शांत व गंभीर था। उनका चेहरा क्या था, जैसे कि उनको कुछ हुआ ही ना हो। जेल के बाहर खड़े हजारों लोगों ने चंद्रशेखर आजाद की जय के नारे लगाए और फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया। जब चंद्रशेखर आजाद बाहर निकले, तो उनके जय के नारे लगाए गए और उन्हें फूल मालाएं चढ़ाई गई। चंद्रशेखर के साथ हजारों की भीड़ ने बार बार भारत माता की जय तथा वंदे मातरम के नारों से आकाश गुंजा दिया। जब चंद्रशेखर और वहाँ हजारों लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए, तो पूरा आकाश गूंज उठा। महात्मा गांधी पर आजाद की अपार श्रद्धा थी। उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन को और तेज करने के लिए नवयुवकों को संगठित करना आरंभ कर दिया। आजाद के ऊपर महात्मा गांधी की प्रेम भक्ति की अपार कृपा थी, तो उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए नवयुवकों को एकत्रित किया, एकजुट करना शुरू कर दिया। आंदोलनकारियों पर अंग्रेज सरकार के अत्याचार बढ़ रहे थे, उन पर लाठियों और गोलियों से प्रहार हो रहे थे। अंग्रेज सिपाही सत्याग्रहियों की भीड़ पर घोड़े दौड़ाकर उन्हें कुचल रहे थे। तो अंग्रेज जो आंदोलनकारी थे, इन पर अंग्रेज सरकार के अत्याचार बढ़ रहे थे, उन पर लाठियों और गोलियों से प्रहार किए जा रहे थे। अंग्रेज सिपाही घोड़े से उन्हें कुचल रहे थे। अंग्रेज के अत्याचार और अन्याय के फलस्वरूप अनेक आंदोलनकारी मौत के घाट उतार दिए गए। अंग्रेजों द्वारा दी गई ऐसी कठोर यातनाएं देखकर आजाद के हृदय का विद्रोह भड़क उठा। तब उन्होंने क्रांतिकारी नवयुवकों को संगठित करके सशस्त्र आंदोलन छेड़ने का निश्चय किया। जब अंग्रेज सरकार के अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और उन्हें आंदोलनकारियों को मौत के घाट उतार रहे थे, तो अंग्रेजों के द्वारा ऐसी यातनाओं को देखकर आजाद के मन में विद्रोह की भावना भड़क उठी, यानी कि कड़ा विरोध करने की भावना जाग गई। तो उन्होंने क्रांतिकारी नवयुवकों को
एकत्रित एकजुट कर सशस्त्र आंदोलन छेड़ने का निश्चय किया, यानी कि सशस्त्र सहित आंदोलन करने का फैसला लिया।